कमलनाथ के करीबियों पर रविवार तड़के शुरू हुई आयकर विभाग की रेड अभी भी जारी है। 3 राज्यों के करीब 50 ठिकानों पर आयकर के 300 अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जैसे कोलकाता में पुलिस और सीबीआई अफसरों के बीच टकराव की तस्वीरें सामने आई थी, कुछ वैसी ही तस्वीरें भोपाल में भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ के करीबी कारोबारी अश्विन शर्मा के घर पर रविवार शाम को आयकर विभाग की रेड के दौरान बिल्डिंग के बाहर सीआरपीएफ के जवानों और मध्य प्रदेश पुलिस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, संवैधानिक अधिकार है उनका। सीआरपीएफ के जवान वहां लगे हुए थे, मध्य प्रदेश पुलिस भेज दी जाती है, सीआरपीएफ को काम करने से रोका जाता है, मध्य प्रदेश की पुलिस सीआरपीएफ से उलझती है कि ये भ्रष्टाचार को बचाने का प्रयास नहीं है। संविधान को तार तार कर दिया गया, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, संविधान के ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। आखिर किस बात का डर है? और ऐसी नीच मानसिकता, ओछी मानसिकता की आरोप लगाए जा रहे हैं कि कार्रवाई भाजपा के सारे पर हो रही है। दिग्विजय सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को परेशान किया, कुमार स्वामी को परेशान किया और अब मध्य प्रदेश में परेशान कर रहे हैं। मैं तो केवल एक सवाल पूछता हूं कि रैलियों का पेमेंट, एक एक रैली में आप करोड़ों पे खर्च करते हैं, कोई चेक का पेमेंट करते हैं? उधर कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के सीए ने साफ कहा कि वो पूरी ईमानदारी से हर साल अपना टैक्स भरते रहे हैं। जो भी प्रवीण जी कक्कड़ के द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसका पूरा का पूरा विवरण उन्होंने समय समय पर आयकर विभाग को सौंपा है। उसके ऊपर उन्होंने जो भी टैक्स ड्यू होता है उस टैक्स को नियमानुसार भरा है। माना जा रहा है कि इन छापों में चुनाव से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। कमलनाथ के करीबियों पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक पड़े इन छापों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com।